हमें चादर देखकर पांव फैलाना होंगे, बरामदात बढ़ाना और दरामदात कम करना होगी। वजीर खजाना ने मुल्की मईशत बेहतर करने के लिए चार रहनुमा उसूल अपनाने का मशवरा दे दिया। खसारा 4000 अरब तक लाएंगे। इमरान खान सियासत के लिए मिलने वाले 150 अरब रुपए का हिसाब दे दें। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आवाम को पता चलना चाहिए दावे करने वालों की हकीकत क्या है, हम 4 साल से अदालतों में पेश हो रहे हैं। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की सजा को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया गया। 12 अगस्त को मजिस्ट्रेट की जानिब से दिया गया ऑर्डर गैर आइनी है, पुलिस के जिस्मानी रिमांड की सजा मंजूर की जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है। इमरान खान को जैसे लाया गया था ऐसे ही वापस अपनी जगह पर जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान की पेशगोई, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी के फैसलों की दुरुस्ती के लिए अहम फैसले होने हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक सरबरा पाक फौज को यूएई के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। दौरे के दौरान मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तावन पर भी बातचीत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश, शहर में बादल बरसने का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज सावन की झड़ी लगी रहेगी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से पीटीआई रहनुमा सरताज गुल की मुलाकात। डीजी खान ने सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। परवेज इलाही ने कहा मुतासरीन के साथ हैं, बहाली का प्लान मुरतब कर लिया, इमदादी कामों की खुद निगरानी कर रहा हूं, नुकसान का अजाला किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में 19,312 कोरोना टेस्ट किए गए। 526 मरीजों में वायरस की तस्दीक, मस्बत केसेस की शरह 2.72% रही। 126 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर भी पोस्ट हज ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन 14 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहा। मजमूई तौर पर 154 फ्लाइट से 25,490 हुजाज को वतन वापस लाया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वेटलिफ्टर नूर दस्तगीर बट पाकिस्तान पहुंच गए। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान ने इस्तकबाल किया। नूर बट का आइंदा भी मेडल जीतने का अस्त।